सर हाँ सर हाँ तो दोस्तों जोश कैसा है हाई है कि नहीं है ये स्टार्टिंग की वीडियो देख के थोड़ा लो हुआ है क्या कोई नहीं अभी हाई कर देते हैं आज की डेट में नीचे जो स्टार्टिंग की वीडियो दिखाई है ना अवेयरनेस की वीडियो थी एक्चुअली आप लोग भी जैसे कहीं सिटी में रहते हैं आसपास में आप लोगों ने भी कई बार ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे तो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है आज के डेट में लोग ना फ्री का खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं यानी एक तरह से मेहनत करने के लिए कोई तैयारी नहीं है तो ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं और इतनी घटिया चीज़ ही होती है जिसकी कुछ हद नहीं है मतलब चैन स्नैच कर लो अपना आराम से जो है चालीस पचास हज़ार रुपये लग हाथ और आराम से लाइफ जो है इन्जॉय करो कम से कम दो ढाई महीने तक का तो एक ऐसे इंसिडेंट है जिसकी दुनिया भर के केसेज आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं कोई बंदूक लगा के कोई चाकू लगा के कोई मतलब ऐसे ही घूमता घूमता मतलब कोई कुछ नहीं तो चलो चैन खींच के भाग जाओ समझ रहे हो आप लोग डर जरा सा भी रहा है नहीं एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो थी ताकि लोग जो है इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहें और अपने घर वर में ना जब भी अपन थोड़ा गेट वेट बंद रखें खासकर जो सिटीज़ में रहते हैं ये इंसिडेंट ज्यादातर सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं गांव में तो इतनी टाइम में नहीं घेर लेंगे लोग आसपास में और कूट देंगे पकड़ के गाँव में ऐसे इंसिडेंट नहीं देखने को मिलेंगे ज्यादातर आप लोग ये चीज आप लोग नोटिस करना ठीक है और ये इंसिडेंट हमेशा अगर घर में गुस्से कोई कर रहा है तो वो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो कि उस घर पर नजर रखे हुए हैं अच्छा यहाँ पे ऐसे एक औरत है अकेली रहती है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्री प्लान होती हैं तो ये चीज़ें आप लोग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना ठीक है बाकी 24 दिसंबर है यार बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जिसको बड़े ही प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं बैलेंड डाइट क्यों क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो हैं वो इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पर इस लेक्चर की जिसके अंदर में आप लोगों को करंट के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ में आप लोगों की एम प्रैक्टिस और एम प्रैक्टिस साथ में आप लोगों को आंसर प्रैक्टिस और इसी के साथ में कहाँ पर किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ये टॉपिक अगर किसी को पढ़ाना भी आप लोगों तो उस लेवल पर ये टॉपिक तैयार किया जाता है तो क्या करना है आप लोगों को वीडियो को वही टकटकी लगाकर देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप लोगों से उनके आंसर आप लोग अच्छे से दे सको और अच्छे से ढंग से इस वीडियो का यूटिलाइजेशन आप लोग कर सको तो बड़ा ही प्यारा ये जो है डिस्कशन रहने वाला है और जैसा कि मैंने बताया चौबीस तारीख है चौबीस तारीख जो है सैटरडे यानी कि आप लोग जो है देखते ही देखते ये साल जो है आँखों के सामने से ओझल हो गया तो अब आप लोग थोड़ा सा आँखें खोल लें ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो ओझल ना हो ठीक है इसी के साथ में आज सैटरडे भी है तो सैटरडे के दिन आप लोगों को क्या रहता है ऐसे पोस्ट करता हूँ मैं बेसिकली निबंध तो निबंध पोस्ट करूँगा उसको देख लेना पी अगर आप लोगों को चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप लोगों को निबंध लिखना है तो आंसर राइटिंग ग्रुप में मैं निबंध जो है वो पोस्ट करूँगा बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर आप लोग भी देखना ठीक है तो यहाँ पर एक दूसरे का आंसर रिव्यू करना बहुत सारे बच्चे रिव्यू भी करते हैं और इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग ये एक तरीके से नोट्स जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को नोट्स या फिर एडिटोरियल जो पोस्ट किया जाता है वो आप लोग यहाँ पर देखिए एस एल पीडिया पर ठीक है तो ये एक तरीका विकीपीडिया टाइप में है चलता फिरता आप लोगों का जो कि आप लोगों को अच्छी एक पकड़ दे सकता है करंट अफेयर या बहुत सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं ठीक है तो ये तीन ग्रुप हैं इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है तो इनको अच्छे से एंजॉय करना बड़ी प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर बोला गया कि स्नान से तन दान से धन सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध बनता है आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में यार अगर ये चीज़ें आप लोग की लाइफ में है ना फैल तो ये बताओ नहा कौन रहा है आजकल नहाना वह छोड़ दिया ना <laughs> तो बेसिकली कोशिश करो अगर ऑल्टरनेटिव डेज पर नहा पर लेकिन ज़्यादा लंबा गैप मत देना स्किन डिजीज़ होने लगते हैं फिर ठीक है इतना तो कम से कम <laughs> इतना तो कम से कम कर लेना कई सारे ऐसे भी प्राणी थे जो हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे मतलब कि ऐसे नहीं पूरे आधे तो ऐसे भी तो मतलब हफ्ते हफ्ते नहीं नहाना और कुछ एक आधा बंदा तो ऐसा था पूरी सर्दियों नहीं नहाना मतलब भाई साहब समझ रहे हो आप लोग क्या हालत होती होगी ऐसे भी इंसान है एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती है मतलब पूरी सर्दी नहाने ही नहीं है मैंने कहा ये तो कोई नेक्स्ट ही लेवल का रिकॉर्ड है तो आप लोग ऐसा मत करना गुनगुना पानी करके अपना निपटा लिया करते हैं काम को ठीक है तो ये है चीजें यार अपनी जिंदगी में ईमानदारी किसके लिए रखनी है मेरे हिसाब से अपने लिए ईमानदारी रखनी है यानी कि अपना जो काम डिसाइड किया है वो कंप्लीट करना है आप लोगों ने जो टारगेट अपने आप को दिया है वो कंप्लीट करना है और सबसे बड़ी बात ये होती है मैं आप लोगों को ये बात लिख के देता हूँ नाइन्टी नाइन परसेंट लोग जो है ना वो अपने लिए ईमानदार नहीं है आपने बोला कि ये काम करना है आप लोग खुद देखना अपने लिए आप लोग ईमानदार होते हुए नजर नहीं आओगे रीज़न क्या है रीजन क्या है कि आप लोगों ने मॉर्निंग में अलार्म लगा लिया उठने का पर लेकिन अलार्म जो है वो बजे जा रहा है आप लोगों ने क्या किया अलार्म को बंद करके सो गए तो मैक्सिमम लोग ये हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे यानी कि जो काम बोला है अपने आप के करने के लिए वो कर ही नहीं रहे हैं ये रियलिटी है मॉर्निंग में उठ के टाइम टेबल बना लिया पूरे दिन में उसका दस परसेंट भी फॉलो नहीं किया फिर शाम को बैठ के जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं यार ये क्या कर दिया तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो क्या करना है सबसे बड़ी बात आप लोगों को कि अपने लिए ईमानदार होना है मतलब अपने लिए अपना डिसिप्लिन वाला माहौल क्रिएट करना है अगर आज एक टेस्ट लगाना है तो लगाना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए सारे काम उसके बाद करने है ये चीज़ अगर ज़िंदगी में आप लोग लेकर आ गए ना फिर आप लोग देखना आप लोग की लाइफ में प्रोग्रेस कैसी होती हुई नजर आएगी मैक्सिमम लोग ये रहते हैं वो तो दूसरा फोकस रहते हैं रूममेट हो गया तो रूममेट पर फोकस है घर में माहौल जैसा बना हुआ है तो वो चल रहा है अपना ख़ुद का अंदर का माहौल चेंज नहीं कर पाते हैं और ये आसान भी नहीं है ऐसे नहीं कि तुक बाजी में हवाबाजी में हो जाएगा इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एक नहीं एक थोड़ा सा एक कठोर बनाना पड़ेगा कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो करने का मन करता है और फिर एक तरीके से नहीं भाई ये ये कि यार चलो उसमें लग जाते हैं काम छोड़ छाड़ के तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग खुद देखना आप लोग एक बात नोटिस करना चलो आज एक टास्क टास्क आप लोगों को देता हूं पूरे दिन में आप लोग अपना मोबाइल जो टच करते हो आप लोग जब भी मोबाइल टच करो लिखना कि आप लोगों ने मोबाइल टच क्यों किया मतलब फोन आ गया मोबाइल उठा लिया मैसेज आ गया मोबाइल उठा लिया या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल उठा लिया इसके अलावा जो सबसे खतरनाक चीज है कुछ नहीं है करने के लिए तो मोबाइल उठा लिया समझ समझने इसका मतलब मतलब ठाली बैठे थे कुछ नहीं था क्या करें मोबाइल उठा ले ये वाला चीजें लिखना एक बार अपनी डायरी में तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जब कुछ नहीं होता है तब भी आप लोग जो है मोबाइल की तरफ को भागते हो और यह एक ऐसी लत लग चुकी होती है जिसकी वजह से इंसान मैक्सिमम टाइम अपना बर्बाद करता है तो मैं तो ये बोलूंगा मॉर्निंग में अपना लेक्चर वेक्चर निपटाया उसके बाद में मोबाइल को जो है आसपास में अगर अलमीरा है तो अलमीरा में रखा और साइड में निपटा दिया उसको साइलेंट करके सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके उसके बाद में पढ़ाई करो अपना फिर दोपहर में देख लो एक बार उठा के ऐसे तो है नहीं तुम्हारा बिजनेस चल रहा है बिजनेस टफ हो जाएगा तो ये चीज़ें करनी नहीं अगर ये हो रही है खुद से तो मम्मी पापा को पकड़ा दो कि मोबाइल मत देना और मांगू तो मुझे झाड़ू से पिटाई करना ठीक है और इसी के साथ में रूममेट को पकड़ा दो कि यार देखो यार तुम अपनी अलमीरा में रख और ताली लो और ये बाहर घूम के आ जाओ तुम ठीक है तब तक मैं पढ़ाई करता हूँ ये करती हूँ रूममेट के अच्छा बेटा तुम पढ़ लो मुझे बाहर भेज दो तो मतलब कुछ भी करो पर लेकिन अपना सोल्यूशन ये निकालो ठीक है बाकी डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर है बताइए जिस टाइम पर डिसाइड किया था उस टाइम पर उड़ गए हो कल कितने घंटे पढ़ाई किए ये रिव्यू किया करो और पूरे हफ्ते में देखा करो एक एवरेज निकल के आ रहा है आप लोगों का सात से आठ घंटे कम से कम मतलब पूरे हफ्ते में एक एवरेज जब जोड़ोगे सारे दिन को सात से आठ घंटे का एवरेज आना चाहिए कम से कम और अब तो एग्जाम पास में आ रहा है अब तो ये थोड़ा सा और बढ़ा लेना दस तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारा पोर्शन रिविजन का भी एड आप लोगों को कर देना है ठीक है तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है कंटिन्यूस और इसी के साथ में आज का प्लान बना लिया तो ये आप लोगों को देखना है हाँ या फिर ना तो प्लान तैयार होना चाहिए आज का ठीक है तो ये कुछ बातें हैं बाकी आज है 24 दिसंबर और 24 डेट जो है वो इस इंसान से रिलेटेड वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भारत रत्न अवॉर्ड ही है तो किस साल में इनको भारत रत्न मिला कुछ जो क्रिकेट प्रेमी है वो ये बताना कितनी सेंचुरी जो है इन्होंने लगाई है ये सही रहेगा ठीक है बताना कितनी सेंचुरी इन्होंने लगाई है ठीक है डिस्कशन काफ़ी शानदार रहेगा फीडबैक जरूर देना जो भी आर्टिकल रहेंगे आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा एक एक आर्टिकल को अच्छे से फोकस देकर चलेंगे ठीक है और आज जो है जैसे कि जो डिस्कशन है थोड़ा सा लेट हो सकता है मतलब लगभग पंद्रह बीस मिनट क्योंकि मॉर्निंग में दिक्कत कर रही थी कई सारी चीज़ें खासकर जैसे नहीं मैंने मॉर्निंग में लैपटॉप खोला तो क्या कर रहा था वो अपडेट कर रहा था ठीक है तो ये नहीं इसमें जो ये मैक वाला होता है इसमें अपडेट कई सारी आती रहती हैं तो घूमता रहा वो पंद्रह बीस मिनट तो मैंने कहा आज तो ये पता नहीं वाट लगाएगा पता नहीं कितना कई बार ना ऐसा डेढ़ डेढ़ घंटा ले जाता है तो मुझे लगा कि आज हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं महीने में एक आधा राउंड ही मार देता है ऐसा ठीक है तो उसकी वजह से तो ये हल्का सा मतलब दस पंद्रह मिनट तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है क्योंकि ये खींच गया स्टार्टिंग में काफ़ी तो मैं थोड़ा सा फिर भी जल्दी जल्दी की लेकिन फिर भी देखते हैं ठीक है इसको आप लोग देखना तो फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है उसके बारे में आप लोगों को बेसिकली बताना है कि यार ये चीजें समझ में आ गई और ये चीजें समझ में नहीं आई है ठीक है अब आर्टिकल देखेंगे ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक ओके दोस्तों एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन या फिर आप लोग कहावत बोल सकते हैं जो शायद आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अंगदान महादान अंगदान को महादान बोला जाता है महादान अगर आप लोग देखें इसको क्यों बोला जाता है आप लोग खुद सोचो कि आज की डेट में से अगर इंसान जो है वो अपना हार्ट यानी कि दिल किसी को डोनेट कर देता है और उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है उसके बाद भी उसका दिल जो है वो किसी के बेसिकली शरीर में धड़क रहा है अगर आंखें इंसान जो है वो दान करके चला जाता है वो इंसान चला गया पर उसकी आंखें आज भी दुनिया देख रही है इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं यानी कि इंसान के जाने के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आ गया और उसके शरीर के पार्ट उसके जाने के बाद भी जिंदा है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अपना जाने एक शरीर अपना शरीर त्यागने के बाद भी इंसान जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी डेथ हो जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन न मिलने की वजह से या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर ओर्गन कहीं पर है और किसी इंसान जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं दूर है उस तक कई बार पहुंचना भी यहाँ पर इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन लोग डोनेट करें तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं आप लोगों का जीएस पेपर टू जो कि हेल्थ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आप लोग खुद इसको फील भी करोगे कि ये अपने ही आप में कितनी बड़ी बात है सोचो घर में किसी इंसान की जब डेथ होती है तो कैसा लगता है ये मुझे लगता है कि सबने फील किया होगा कभी ना कभी शादी कोई होगा जिसने फील ना किया होगा अगर नहीं किया है तो बहुत खुशकिस्मत है पर लेकिन ये एक नेचर यानी कि प्रकृति का नियम है कोविड नाइन्टीन के टाइम पे हर एक इंसान के किसी न किसी के घर में से या रिश्तेदार की किसी न किसी की डेथ जरूर ही होगी तो उस टाइम पर आप लोग सोचो जब इंसान की डेथ होती है तो उसका शरीर जो होता है उसको या तो हम लोग दफना देते हैं या फिर उसको जला देते हैं या फिर उसको गंगा में बहा देते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है इसका मतलब ये कि शरीर जो है वो ख़त्म हो गया अब हम लोगों ने क्या किया उसके साथ में हम लोगों ने जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ बातें फॉलो की पर लेकिन सोचो अगर उस शरीर को किसी के काम में लाया जाए हम लोग पर लेकिन क्या रहता है कंडीशन ये रहती है कि इंसान जो है वो इमोशनली इतना कनेक्ट रहता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है सोचो जैसे इंसान कोई है कोई बहुत ही सगा संबंधी है वो हमको छोड़कर चला गया और कोई बोले कि यार इसकी आंखें हमें दे दो इसका दिल हमें दे दो तो हम लोग को कितना ओट लगेगा सुनने में पर लेकिन ये सच्ची में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कही अगर ढंग से हम लोग उस चीज़ को सोचें जो कि थोड़ा सा टफ है मैं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों को डोनेट कर दें तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात होगी उस इंसान जिसकी जान जा रही है इनकी वजह से उसकी जान बच सकती है कोविड नाइन्टीन के टाइम पर यहाँ पर ये यह काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी ऑर्गन डोनेशन में पर फिर से यहाँ पर ये यह बाउंस बैक कर रहा है यानी कि फिर से ऑर्गन डोनेशन जो है वो अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है अगर बात करें आप लोगों से पूछे कि ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात या फिर बोले यहां पर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक और जो साउथ इंडिया के राज्य हैं खासकर तेलंग कर ये तमिलनाडु और केरला यहां पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑर्गन डोनेशन जो है वो होता हुआ नजर आएगा जब बात की जाती है ऑर्गन डोनेशन की तो क्या क्या चीज़ें डो, डोनेट की जाती है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे किडनी हो गया दिल हो गया आँखें हो गई ब्लड हो गया या और भी कई सारे बॉडी के पार्ट जो कि रिक्वायरमेंट होती है पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है अगर आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करना है तो ये कुछ ही घंटों का काम होता है यानी कि हमारा शरीर जो होता है वो बेसिकली जैसे ही हमारी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है तो उसके कुछ ही घंटों तक वो डो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे होते हैं उसके बाद में बंद हो जाते हैं आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ में एक दुखद घटना शेयर की थी कि हमारे घर में एक भैंस थी उस भैंस की जो है डेथ हो गई थी और उसके पेट में लगभग कुछ महीनों का बच्चा था मतलब सात या आठ महीनों का बच्चा था या फिर कुछ ज़्यादा ही था तो उसमें क्या था वो उस बच्चे की जो है जैसे ही माँ की डेथ होती है तो उस बच्चे की धड़कने जो है लगभग आधे घंटे तक पौने घंटे तक धड़कता रहता है और वो सांस लेते रहता है पर लेकिन उसके बाद में उसकी धड़कन भी शांत हो जाती है इसका मतलब यह है कि पेट में ही बच्चे की भी डेथ हो गई तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की डेथ होने के बाद भी कुछ टाइम तक उसके बॉडी के जो कुछ कुछ पार्ट हैं या बॉडी के जो चीज़ें हैं फंक्शन हैं वो प्रॉपर चलते रहते हैं पर लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर सारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है तो इसलिए डेथ के कुछ टाइम बाद में ही ऑर्गन डोनेट करना जो है वो ज़रूरी है उसके बाद में फरन, वरना फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो आप लोगों से बात कर ली पर लेकिन आप में से कितने ऐसे इसलिए फैमिली मेंबर हैं जिसने कभी ना कभी ब्लड तो डोनेट किया है ऐसे भी हैं कि ब्लड भी डोनेट नहीं किया आज तक ऐसा है कोई अगर है तो ये इस चीज़ को एक बार आप लोग जरूर कीजिए कम से कम जिंदगी में इसको आप लोग कम से कम अपने बर्थडे पर या फिर जैसे कि न्यू ईयर आता है उस पर या फिर कोई घर में खुशी आती है कोई सेलेक्शन होता है किसी भी टाइम पर आप लोग यहाँ पर इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर ब्लड को डोनेट करके देखें और इसके साथ में आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं कि साल में दो बार एटलीस्ट ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अगर दो बार नहीं तो साल में एक बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना आप लोग अपनी जिंदगी का पार्ट बना सकते हैं अगर बात की जाए ब्लड भी ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों की फुलफ़िल नहीं होती हो पाती है और इसमें मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे फ्रेंड थे फ्रेंड क्या बेसिकली मेरे ताऊजी के लड़के थे जैसे कि कुंडबे में नहीं होते हैं वैसे थे कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी जो सबसे करीबी किसी को मैंने मरते हुए देखा था कैंसर की वजह से मैं उस टाइम पर जब भी हॉस्पिटल में जाता था तो झंड जोड़ जाता था मेरा दिमाग क्योंकि कुछ कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर किसी न किसी के रोने की आवाज़ आती थी और डेली के अंदर हॉस्पिटल था और वहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी यानी कि ज़िंदगी में अगर लगते हैं ना डिप्रेशन हो रहा है तो कभी देखो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जरा जरा सी देर में इंसानों की डेथ हो रही है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दुनिया में है तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उस टाइम पर मैंने ब्लड की कीमत समझी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की कुछामद क्यों करी क्योंकि उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो काफ़ी एक तरीके से नहीं कई कई सारे दिनों के अंदर यानी कि एक एक हफ्ते के अंदर चेंज करना होता था और जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड जाता था तो उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठता था उसकी बिल्कुल स्किन जो होती है वो हरी भरी हो जाती थी पर लेकिन जैसे ही वीकेंड जाता था तो वीक आते आते एंड का तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे शरीर के अंदर कुछ है नहीं मतलब देखने में भी इतना ओड लगता था जिसकी कुछ हद नहीं है तो सारे एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किए हैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ज़्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पर फिर भी दो से लेके अगर दो या फिर इसके आगे आप लोग बात करेंगे दो में थोड़ा डिप हुआ पर लेकिन दो में फिर से चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आ रही हैं यानी कि लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं और आज की डेट में लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट भी कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इसीलिए दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के नाम पर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ऑर्गन डोनेट कर सके पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गन डोनेट करती है आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल अगर वन मिलियन वन मिलियन का मतलब होता है कितना ये होता है दस लाख यानी कि दस लाख लोगों में से अगर बात की जाए ओनली जीरो पॉइंट फाइव टू मिलियन लोग ही जो हैं वो आप लोगों यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हुए नजर आएंगे यानी कि ये रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो यानी कि काफी कम है अगर देखा जाए इसको अगर आप लोग चेक करोगे सबसे ज्यादा ओरगन डोनेट करने में दुनिया में कौन सी कंट्री है अगर ये आप लोगों से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट कहां पर होते हैं तो ये तो मैंने अपने देश के बारे में आप लोगों को बता दिया सबसे ज्यादा ओर्गन डोनेशन दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्पेन के अंदर में स्पेन के साथ में पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल जुड़ा होता है यहां पर सबसे ज्यादा ओर्गन डोनेशन किया जाता है यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो जैसे वन मिलियन में हम लोगों ने कितना देखा अपने देश के अंदर में एक मिलियन भी यानी कि पूरा एक लाख सॉरी वन मिलियन की उसमें आप लोगों ने बोली यहां पर दस लाख हो गए तो हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग जीरो पॉइंट फाइव समथिंग पर हम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा अगर बात करें बेसिकली स्पेन के अंदर में तो उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन यानी कि हाईएस्ट वर्ल्ड में बोला है तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन उनकी पॉपुलेशन का जो है वो ऑर्गन डोनेट करता है तो बोला जा रहा है कि फोर्टी पर मिलियन आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर यानी कि आधे से ज़्यादा मिलियन लोग जो हैं यानी कि पाँच लाख से भी लगभग बराबर लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट यहाँ पर करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर लोग जो है इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा जागरूक हैं जो कि यहां पर इसको ऑफ्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को ऑर्गन डोनेशन जो है वो आज की डेट में चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं इसका फायदा समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहां पर काम कर सकते हैं इसी के साथ में यहाँ पर टोटल अगर ऑर्गन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इसके जितनी अवेयरनेस होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जैसे किडनी हो गया लीवर हो गया हार्ट यानी कि दिल हो गया लंग्स हो गए पैनक्रियाज हो गया ये सारी चीज़ें ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में आती है अगर बात करें हमारे देश में पिछले कुछ टाइम में यानी कि पिछले बारह सालों में अगर बात करेंगे तो लगभग बारह के करीब लोगों के द्वारा जो है वो ऑर्गन डोनेशन किया गया और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है उस देश के अंदर में बारह हजार लोग जो है वो ओनली ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं ठीक है ये वही संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है जैसे बोलते हैं ना वीडियो जो है वो एक लाख के करीब लोग देख रहे हैं और जो वीडियो पर फीडबैक देते हैं वो कितने देते हैं वो देते हैं सात से आठ हजार लोग मुश्किल से तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं उसमें कोई फीडबैक देने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है लाइक करना पड़ता है एक छोटा सा और उसमें एक सेकेंड भी नहीं लगती है तो सोचो एक लाख लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें दस हजार लोग भी जो है वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं और वो भी फीडबैक जो एक सेकंड का होगा तो सोचो जब यहां पर ऑर्गन डोनेशन की बात आएगी तो प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा फिर ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा एक तरीके से ना एक तरीके से पूरा प्रोसीजर यहां पर देखने को मिलता है ऑर्गन तो डोनेट हालांकि डेथ के बाद ही होता है इंसान के जाता है जो या फिर आप लोग बोले यहां पर अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उन्होंने अपने जो फादर साहब के लिए ऑर्गन डोनेशन किया तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो ये प्रक्रिया जो है एक अवेयरनेस फैलाने वाली प्रक्रिया है तब जाकर चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्थ और साउथ में भी आप लोग काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में जो नॉर्थ में जो लोग हैं वो ज्यादा इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं है एज कंपेयर टू साउथ में यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेश हमारे देश में अगर पूछो मैं आप लोगों से कौन कौन से राज्य करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया टोटल मिलाकर ये कुछ राज्य हैं गिने चुने टॉप फाइव राज्य में कौन आएगा तेलंगाना तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटक। ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हमारे देश में लगभग 85 प्रतिशत ऑर्गन डोनेशन जो है वो ओनली पांच राज्य से आता है और बचे हुए तेईस जो राज्य हो गए वहां पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इक्का दुक्का कोई ऑर्गन डोनेट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात यहां पर की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए ये एक ग्राफ भी है जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई 2017 से लेके 2021 तक का पैटर्न 20 में मैंने बोला कि चीज़ें डिप हो गई थी तो वो यहाँ पर डिप हुई और फिर 21 में यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे मतलब कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं कि क्या है जिसके चलते आप लोग की आंखें खुली रहेंगी अगर बात करें नीड कितनी है और हम लोग प्रोवाइड कितना करा पा रहे हैं गैप कितना है अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे दुनिया में थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड में वो हमारे देश में होते हैं यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है अगर मैं ओनली किडनी की बात करूं किडनी जो हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारे देश में रिक्वायरमेंट है लगभग डेढ़ से लेकर दो लाख किडनी की यानी कि इतने लोगों को किडनी की रिक्वायरमेंट है हर साल इतने लोगों की किडनी खराब हो रही है उल्टी सीधी हरकतें या फिर आप लोग लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हो उनको कि हमारा रहन सहन खान पान सोना उठना जगना एक्सरसाइज न करना बैलेंस डाइट न लेना सबको बैलेंस डाइट थोड़ी ना मिलती है जैसी आप लोगों को मिलती है इस लेक्चर के अंदर में तो यहां पर दो लाख पर्सन अगर जिनको किडनी की जरूरत है तो ओनली आठ हजार को मिल पाती है नंबर समझ रहे हैं डिफरेंस तो देखो आप लोग यहां पर दो लाख को जरूरत है और आठ हजार को मिल पा रही है अस्सी हजार लोगों को यहां पर लीवर की जरूरत है पर लेकिन एक हजार आठ सौ को मिल पाते हैं ओनली ये यह समझिए आप लोग दस हजार लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ओनली दो सौ लोगों को यहां पर मिल पाता है यानी कि गैप देखो आप लोग कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है और मिल कितने लोगों को पाता है ये सोचने वाली बात है और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए सोचो अगर कोई इंसान स्पेन में हो तो वहाँ पर उसको कितने चांसेस हैं कि उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी और कितने चांसेस हैं उस इंसान के ज़िंदा रहने के जबकि डिफरेंस कुछ नहीं है अगर बात करें वहाँ पर भी लोग मर रहे हैं यहाँ पर भी लोग मर रहे हैं वहाँ पर लोग जो है उसको डोनेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है वो उसको डोनेट नहीं कर रहे हैं अपना शरीर जो है वो मरने के बाद में बर्बाद कर दे रहे हैं तो इसके चलते लाइफ स्टाइल जो डिजीज है ना वो काफ़ी बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है आज की डेट में इंसान की बॉडी पर मोटापा चढ़ना या फिर उसको दिल की बीमारी होना या फिर उसको हट उसको बेसिकली आंखों की बीमारी होना या फिर कोई भी ऐसी बीमारी आप लोग देखो स्किन की बीमारी होना बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज है उन्हें कहते हैं कि बल ब्लड प्रेशर इंसान का हाई रहता है पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आज की डेट में देखने को मिलती हैं मैक्सिमम बीमारी वो हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है यानी कि इंसान ने अपने रहन सहन

ठीक है पर लेकिन उनके ऑर्गन जो है वो आज की डेट में देखें तो वहां पर उसको डोनेट नहीं किया जाता है अगर उनके ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो वो आसानी से उनके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं सोचो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में से सोल्यूशन कैसे निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं हमको पता है मैंने कई बार बताया कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है मैंने बोला था कि लगभग साढ़े लाख से पांच लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में सोचो इसमें से डेढ़ लाख के करीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर एक डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर तो उन जो डेथ हो रही है यहां पर उसमें से सो, सोचो यहां पर मैंने बोला अभी यहां पर कि कितनी किडनी चाहिए वो इंसान जो मर रहा है उसकी किडनी भी यहां पर है वो इंसान जो मर रहा है उसका लीवर भी है उसका हार्ट भी है तो इतने सारे हार्ट इतनी सारी किडनी ये हम लोग बर्बाद कर देते हैं आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो कितना अनमोल है जो इंसान ये बोलता है ना कि मैं बहुत गरीब हूँ गरीब इंसान बस दिमाग से होता है वरना जिंदगी में इंसान जो है कमा खाने की एक तरीके से उसके अंदर क्षमता रहे तो वो कहीं भी कमा खा लेता है ये इंसान के सोचने के ऊपर डिपेंड होता है अगर इंसान को इतने सा, इतना शानदार शरीर मिला हुआ है इतने सारे सोचने समझने के तरीके मिले हुए अगर थोड़ा सा भी वो अपनी लाइफ को सही तरीके से लेकर चलना चाहे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इंसान जो है वो निकाल सकता है पर इंसान जो है वो कब कब आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं अपनी खुद की कमजोरियों की वजह से आप लोग खुद देखिए ज़िंदगी में अगर आप लोग कुछ करने की बात आए तो सबसे पहले तो आप लोग यही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप लोग ये देखा करो ना कि दुनिया कर रही है उस काम को कुछ ऐसा तो काम आप लोगों को बोलने दिया कि आज तक किसी ने नहीं किया है ऐसा कोई काम आप लोगों से करवाया जा रहा है तो तो समझ में आता है यार पर लेकिन वही जो काम है दुनिया कर रही है आज के में आई एस की बात करें तो हर साल जो है हजार के करीब जो है इसमें पर्टिकुलर शीट निकलती हैं आप लोग समझ सकते हैं उसमें से उसमें से लगभग डेढ़ सौ से दो सौ आई हर साल सेलेक्ट होते हैं आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है कि दुनिया में एक ही होगा वो गोल्ड मेडल इस फील्ड में जो तुम जीत कर लेकर आओगे तो वो इंसान बोले भी यार टफ टास्क है तो सोचो थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ के काबिल समझो जब और कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ऐसा एक माइंड बना के देखो चीजें तुरंत आसान लगने लगेगी आप लोगों को इसी के साथ में अगर बात करूं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ये ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है और इसको एन ओ डबल टी ओ ठीक है तो नोटों के नाम से आप लोग जानते हैं यानी कि ये नोट छापने का भी काम करती है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं देखिए आप लोगों को आप पता है जैसे मैंने कई बार बोला है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं आज की डेट में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा अभी एक केस सामने निकल कर आया एक लड़की के जो बॉडी में से किडनी निकाल ली उसको ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दिलाएंगे इनके लड़की के हस्बैंड को जॉब दिलाई जाएगी उसको उसके तरीके से उसकी यहां पर किडनी निकाल ली और किडनी निकालने के बाद में इंसान जो है फरार हो गए अब वो लड़की की किडनी गई उसकी हेल्थ खराब है और जो वो का तो कोई मतलब ही नहीं है तो ऐसी ऐसी भी यहां पर तस्करी देखने को मिलती है एक वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी वहां पर जिंदा इंसान को काट कर उसके अंदर के बॉडी पार्ट निकाले जा रहे थे वो इतनी ज्यादा वायरल वीडियो थी जिसकी कुछ हद हाँ नहीं है कई जगह उसको बैन कर दिया टेलीग्राम ने भी उसको बेसिकली डिलीट करा तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो ये ऐसी कंडीशन है कि इनका तस्करी इनका गलत तरीके से व्यापार भी होता है तो सोचो व्यापार किस चीज का होगा आप लोगों ने कभी देखा है आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि खासकर जैसे कि पानी है ठीक है पानी हर जगह बिखरा फिर रहा है पानी की कोई कालाबाजारी कर रहा है पानी की तस्करी कर रहा है तस्करी किस चीज़ की होती है जो मार्केट में कम अवेलेबल हो उसको गलत तरीके से मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है उनकी तस्करी होती है आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं तो ये कंडीशन निकल कर आती है तो इसलिए जरूरी है कि चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कराएं और ये ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है जिसका हेडक्वार्टर न्यू डेली में है ये सेटअप की गई है डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड जो जो हेल्थ सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है कौन है हमारे मिनिस्टर ये बताइए मैंने बताया भी था आप लोगों को यहां पर दो डिवीजन है एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल और स्टोरेज यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन और, और जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और इनको स्टोर करना ताकि आगे जिस तक पहुंचाने हैं उस तक पहुंचाया जा सके पहला दूसरा देखने को मिलेगा नेशनल ये है बायो मै, बायो मेटीरियल ठीक है सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जहां पर ये लोकेटेड है बाकी इसके लोकल ऑफिसेज भी हैं जो कि जरूरी भी हैं यहां पर जो चंडीगढ़ मुंबई चेन्नई कोलकाता और गुवाहाटी के अंदर आप लोग इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे ये तो मैंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर जो काम यहां पर चल रहे हैं स्टेट लेवल पर भी हाँ पर स्टेट टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है और स्टेट के जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए तो जब स्टेट इस इसको ही नहीं रहे तो अवेयरनेस कहां से आएगी मेरे दोस्त अवेयरनेस भी तो तभी आएगी ना जब कोई इसको, इसको स्टैब्लिश करेगा तो हमारे राज्य जो है उनको भी आगे आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने के लिए तो यहां पर इसके रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जानते हैं अब इसकी थीम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ यानी कि चलो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अपने ऑर्गन को डोनेट करेंगे और जो लाइफ है उनको हम लोग सेव करेंगे ये यह यहां पर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर ताकि इन चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके और जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक ये बॉडी पार्ट जो है वो पहुंचाए जा सके तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यार अगर इसके बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन तो आप लोगों से जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले अगर कोई यहाँ पर सीधा सीधा बात है पर बोला गया कि डिस्कस मेजर दैट आर नीडेड टू एक तरीके से परसूड पीपल टू बिकम द ऑर्गन डोनर यानी कि एक तरीके से आप लोग बताइए कि अंग दान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे राजी किया जाए उसके कैसे उपचार है कि लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी किया जाए ये काफी बड़ी बात है मैंने आप लोगों को समझाया आप लोगों की समझ में आ गया आप लोग राजी हो गए तो इसी तरीके से लोगों को राजी करना काफी बड़ी बात है तो परसुएड यानी कि राजी करना उनको इस काम के लिए अगर हो गए तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन भी है देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो है टॉपिक सुना है इससे पता चलेगा यहाँ पर बोला गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव टू पर मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा डोनेशन स्पेन के अंदर में फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स पर मिलियन देखने को मिलेगा इंडिया लेस देन वन फोर्थ स्टेट जो है वो एक तरीके से जो डोनेट मोर देन वो एक थ्री फोर्थ ऑर्गन तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है ठीक है वन टू टू थ्री वन थ्री या फिर ओलोबदाबो तो आंसर क्या सही यहां पर करेक्ट पूछा गया आंसर है डी यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं ओनली यहां पर कुछ ही राज्य हैं जो कि पूरा यहां पर संभाले हुए हैं बाकी यहां पर सारे राज्य जो हैं वो अपना मजे कर रहे हैं वो बात ही नहीं कर रहे हैं तो यार ये टॉपिक ऐसे हो गया आप लोग इसको समझिए पूरा टॉपिक कैसे तैयार करते हैं ठीक है न्यूज क्या थी वो समझ ली किस किस राज्य में क्या क्या कंडीशन है वो समझ लिया डोनेशन का क्या पैटर्न है क्या क्या डोनेट किए जाते हैं बेसिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बताई दी कि कितने राज्य है कहां कहां पर क्या क्या है कौन ज्यादा डोनेट कर रहे हैं ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की हो गई पैटर्न क्या चल रहा है अभी यहां पर इसी के साथ में क्या क्या कमी है कितना हम लोग कर पाते हैं कितना गैप है एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी जो कि इंपॉर्टेंट है पर एक डे भी कवर करा दिया जो कि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है थीम वगैरह आप लोगों से पूछ ली आती है एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर राइटिंग भी हाँ पर हो गई टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि अब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन न छुड़े इस टॉपिक को अब आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो तो इसको कहते हैं पढ़ना अगर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी इस तरीके से चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस चीज का रिविजन करते रहना अब मान लो ये टॉपिक चार पांच बार आ रहा है कहीं पर भी कि तमिलनाडु में इतना ऑर्गेन डोनेट हो गया केरला में इतना ऑर्गेन डोनेट हो गया यहाँ पर तस्करी हो रही है तो किसी भी तरीके से टॉपिक आ जाए आप लोगों ने अगर इस तरीके से एक बार तैयार कर लिया अब उससे कोई क्वेश्चन पूछे या किसी के साथ में आप लोग डीबी डिस्कशन में आप लोग लगो तो सामने वाला कहेगा कि समझदार इंसान है यार सारी बातें जानते हैं तो बताना कि एस फैमिली मेंबर है हम लोग ठीक है फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है टॉपिक कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना ऑलवेज वेलकम डाउट अगर कुछ भी डाउट रहता है तो क्लियर करके आगे बढ़ना है मैं हूं ना टेंशन नहीं लेने का डाउट को लेकर ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और डाउन टू अर्थ के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया डाउन टू अर्थ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है यार जहां पर बहुत प्यारे आर्टिकल आते हैं और ये आर्टिकल को इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि सारी बातें आप लोगों के सामने निकाल कर रख दी जाए ठीक है तो इसलिए काफ़ी इंपोर्टेंट है आगे ये आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं कहीं पर भी आ रहे हैं तो फिर आप लोग अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाओगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्फ्रेंस ओ पार्टी फिफ्टीन यानी कि पंद्रहवीं तो अभी यहां पर कन्मिंग और मॉन्ट्रियल ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से यहां पर इसको जाना गया क्या है पूरा मुद्दा समझेंगे काफी डिटेल के साथ में वैसे तो ये जो टॉपिक है वो इन्वॉर्मेंट यानी कि जेस पेपर थ्री के अंदर में आता है पर लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब कंट्री एक दूसरे के साथ में काम करती हुई नजर आती है अभी इनके द्वारा लगभग तेईस लक्ष्य निर्धारित किए गए और बोला गया कि 2023 2030 तक का ये लक्ष्य जो है वो हम लोग अचीव करेंगे तो याद रखिएगा इसको क्यों बोला गया यहाँ पर क्नमिंग मॉन्ट्रियल दो नाम क्यों देखे ये कन्मिंग आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है और मॉन्ट्रियल कहाँ पर देखने को मिलता है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और टोटल तेईस टारगेट जो अचीव करने की बात की जा रही है वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ताकि अच्छे से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें सबसे पहले यहां पर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आप लोगों को देखने को मिली टोटल पंद्रहवीं कॉन्फ्रेंस यहां पर नजर आई इसको बोला गया यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बायोडाडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया गया एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो कि हमारी जो भी यहां पर एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर डायवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट जो जीव जंतु हैं उसको कैसे सेव करना है उसके ऊपर ये काम करती है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अभी हम लोगों ने पंद्रहवीं देखी पर लेकिन इसके बारे में अगर बात की जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वन वो ऑलरेडी हो चुकी थी 1994 में उसका ये पैटर्न चला हुआ आ रहा है जो कि पंद्रहवीं आप लोगों को देखने को मिली अभी रिसेंटली अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखोगे कि जहां पर पहली मीटिंग हुई वो कहां पर हुई थी तो बहामास के अंदर आप लोगों को ये मीटिंग देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर ही है ये एक आईलैंड वाला एरिया है जो कि यहाँ पर ये पहली मीटिंग जो हुई तो यहाँ पर उसके यादगार में यहाँ पर ये जाना जाता है उसके बाद में फिर ये मीटिंग जो है वो आगे बढ़ी इसी के साथ में अगर बात करें दो में ये नीदरलैंड के अंदर में देखने को मिली ठीक है इसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर चलती नजर आएगी दो हज़ार बेसिक छः में नहीं मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो छठी थी 2002 में नीदरलैंड में हुई पाँच में हालांकि नेरूबी यानी कि केनिया के अंदर यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये कीनिया हो गया तो इस तरीके से समझ सकते हैं जापान में हुई दो के अंदर में एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोग को जापान दिखाई देगा तो इस तरीके से चलती हुई ब्राजील की ब्राजील के अंदर भी हुई 2012 में ये आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात रखनी है वो है याद रखनी है 2012 में ये कॉन्फ्रेंस जो है हैदराबाद यानी कि इंडिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिली थी तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा ठीक है 2014 में जो मीटिंग हुई थी वो सरम एल शेख ये सरम एल शेख वही है जो रिसेंटली अभी खावर था न्यूज में था आप लोगों ने सुना क्यों था सरम एल शेख न्यूज़ में याद आ रहा है तो यहां पर अभी ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिली ये रिसेंटली अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली इजिप्ट के अंदर में ठीक है तो सरम एल सेग में कुछ और भी हुआ है क्या रिसेंटली अभी बताओ यार मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है क्या हुआ है बताइए जरा पर लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं वो यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं कि दो नाम यहां पर क्यों दिए गए इसके दो नाम आखिर क्यों दिए गए क्योंकि ये जो मीटिंग है वो रिसेंटली अभी दो फेज में देखने को मिली दो फेज वन था वो इसका यहां पर बेसिकली कन्मिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिला चाइना के अंदर में अक्टूबर 2021 के अंदर में यहां पर यह चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिला फेज सेकंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये अभी रिसेंटली आप लोगों का ये मोन्ट्रियल यानी कि कैनेडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिला तो इसी के ध्यान रखते हुए यहां पर इसका नाम जो है वो दो नामों से दे दिया गया ंग बायडावर्सिटी फंड के बारे में बात की गई थी जब वहां पर हुआ और यहां पर जो अभी मोन्ट्रियल कैनेडा के अंदर में हुई सबसे बड़ी चीज तो यहां पर यह बोली गई कि ट्वेंटी थ्री टारगेट रखे गए जिनको दो हजार तीस तक हम लोग अचीव करने वाले हैं पहली बात दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट मैंने आप लोगों को बोला था वो था थर्टी बाई थर्टी का टारगेट यहां पर दिया गया यानी कि 30 प्रतिशत ओशियन और इसी के साथ में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओशियन वगैरह और इसी के साथ में 30 प्रतिशत जो है वो जो डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर किया जाएगा यहाँ पर ये फोकस यहाँ पर दिया गया तो इसे 30 बाय 30 यानी कि 2030 तक का ये चीज़ें प्रोटेक्ट हम लोगों को करनी है इसके ऊपर फोकस किया गया अगर बात करें यहां पर अब तक जो भी टारगेट यहाँ पर पहले डिसाइड किए गए थे कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि वो टारगेट यहां पर अचीव कर चुकी हो तो इसलिए सबको यहां पर मिलजुल कर आगे आना पड़ेगा इन टारगेट को अचीव करने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा तो बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को यहां पर इस स्लाइड के अंदर देखने को मिल जाएंगे रिड्यूस करना है कि थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी को उसके ऊपर काम करना है चीज़ों को रिस्टोर करना है सेव करना है यहाँ पर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वाइल्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है बाहर से कोई स्पीसीज आ रही है उसको ध्यान रखना है ताकि इन्वायरमेंट को बर्बाद ना करें ठीक है इसी तरीके से ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना पड़ेगा सस्टेनेबल यूज़ करना है उसको यानी कि चीज़ों को सेव कैसे करना है इन्वामेंट को बर्बाद नहीं करना है बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद नहीं करना है अर्बनाइजेशन के चक्कर में पड़कर चीज़ों को खराब नहीं करना है इसी के साथ में कैसे चीजों को लेकर चला जाएगा तो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके लिए इको फ्रेंडली सिस्टम को लेकर चला जाएगा हार्मफुल जो भी यहां पर चीजें हैं उनको हटाया जाएगा टेक्निकल कोऑपरेशन रहेगा नॉलेज इक्वल शेयरिंग यहां पर जेंडर बेस्ड एक रिव्यू किया जाएगा तो टोटल मिलाकर तेईस ये टारगेट है यहां पर ये ये स्लाइड के अंदर बोला ना मैंने तेईस टारगेट की बात की जा रही है इसको थोड़ा सा कंपेयर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं है टोटल मिलाकर सत्रह टारगेट यहां पर दिए गए हैं 2030 तक कंप्लीट करने के लिए ऐसे ही यहां पर इसके बारे में याद रखेगा तेईस टारगेट दिए गए हैं और तेईस के तेईस टारगेट अभी आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं इनको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें ऐसी कई सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कोई आप लोगों से पूछे यहाँ पर तो ये भी बातें मैं कुछ कुछ करके आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर बात करें तो एक तरीके से जो खासकर अगर बात की जाए तो फंड को इकट्ठा करने की बात की जा रही है तो 200 जो बिलियन डॉलर की बात की जा रही है 2030 तक का तो ये भी एक काफी बड़ी बात है यहाँ पर किसी चीज को एक्सटेंड होने से रोकना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है यू इंसान जो है चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से यूज करे उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है और ग्रीन स्पेस को बढ़ाए उसके ऊपर भी फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है तो मनी भाई चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों ने मोबाइल लिया पैसा खर्च करके मोबाइल लेने के बाद में आप लोगों ने इंटरनेट रिचार्ज कराया और उसको आप लोग मंथली रिचार्ज आप लोग देखते हैं जो कराते हैं तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है आप लोग अगर इनसे नोट्स बनाते हैं तो आप लोग कॉपी लेकर रखते हैं तो नोट्स बनाते हैं आप लोग पेन भी खरीद कर लेकर आते हैं तो कोई भी काम करने के लिए एक बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा जैसे ये लैपटॉप ले रखा है मैंने इसके चलते सॉफ्टवेयर ले रखा है टेबलेट और पेन ले रखा है ये सारी चीजें माइक ले रखा है जिसमें मैं बोल रहा हूं तो इसके बिना लेक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इतना बड़ा अगर काम हम लोगों को करना है कि हम लोगों को सेव करना है स्पीसीज को तो उसके लिए कम से कम पैसा की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी तो 200 बिलियन पर ईयर की बात की जा रही है पैसा आएगा तो चीजें सुधर पाएंगी ट्वेंटी बिलियन यहां पर बात की जा रही है एक तरीके से चीजों को आगे लेकर चला जाएगा पर ईयर के हिसाब से 2025 तक का और फिर 30 जो बिलियन होगा एवरी ईयर तब जाकर 200 बिलियन जो है वह इंश्योर हम लोग कर पाएंगे आने वाले टाइम में इसमें यहां पर कोई भी आ सकता है प्राइवेट भी आ सकता है पब्लिक भी आ सकते हैं मतलब एक तरीके से जिसका मन हो दान करने का कोई भी आकर यहां पर दान कर सकता है तभी जाकर चीजें जो है वो आप लोगों को सुधरती हुई इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसके बारे में अगर बात करें तो कंपनी जो है वो एनालाइज करने चाहिए रिपोर्ट को कि कैसे कैसे वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं जो पार्टीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी काम करना चाहिए इसी के साथ में प्रमोट करना चाहिए प्रोग्रेसिव बायोडाइवर्सिटी और रिड्यूस करना चाहिए जो भी रिस्क होते हैं ये बातें यहां पर बोली जा रही है यानी कि जो बातें मैंने आप लोग को ऊपर वाली स्लाइड में बताई थी जैसे कि यहाँ पर ये हार्मफुल चीज़ों को खत्म करने की बात की जा रही है मॉनिटर करने की बात की जा रही है इन चीज़ों के बारे में ठीक है यानी कि जो जो बातें यहां पर इस स्लाइड में है ये स्लाइड जिस्ट है इसको तो आप लोग बिल्कुल अपने पास रख लीजिएगा इनको एक बार नजरों में को आप लोग निकाल लीजिएगा कि कुछ भी पूछा जाए तो इस स्लाइड के बाहर शायद ही आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा इसी के अंदर सारी चीजें आप लोग यहां पर कवर होती हुई आप लोगों को नजर आएगी ठीक है तो ये तो हो गई इसके बारे में बातें अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा यहां पर किसके बारे में ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा खासकर अगर बात की जाए तो जो कि आप लोगों को समझ में भी आएगा कन्वेंशन ऑल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं सी जो है यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बात करूं ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसके अंदर में यहां पर कंजर्व करने की बात की जाती है बायोडाइवर्सिटी की और ये इन्फोर्स की गई थी सबसे पहले नाइनटी में उन्नीस में, में और टोटल मिलाकर एक सौ देश ऐसे हैं जो आज के डेट में इसको रेटिफाइड कर चुके हैं रेटिफाइड का मतलब है अपनी पार्लियामेंट में साइन कर अपनी पार्लियामेंट से इसको क्लियर करा चुके हैं उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करके तो अपने ही आप में एक काफी बड़ा अचीवमेंट है इतने सारे देश अगर साथ आ रहे हैं तो कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट करेगी यहां पर अपने यहां पर सस्टेनेबल यूज करेगी यानी कि वह सब कुछ बर्बाद किया जा रहे हैं जैसे नहीं ब्राजील के अंदर में बोला गया था कि फॉरेस्ट को काट काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो गलत चीज है ये एक हिस्टोरिकल डील है यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग यहां पर बोलिए हिस्टोरिकल डील क्यों बोला जा रहा है यो रिवर्स करेगा बायडाइवर्सिटी जो लॉस हो चुका है 2015 से पेरिस एग्रीमेंट से लेकर अगर बात करेंगे और फिर से एक पैटर्न में लेकर आएगा इसका जो बेस वो है, वो है आप लोगों को फिलहाल मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई आप लोगों से पूछे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए कवर करा रहा हूं साथ साथ में ताकि यहां से भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों को ये ना रहे यार ये क्या आ गया तो वो माइंड में क्लियरिटी रहनी चाहिए शन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो है ये यहां पर द पार्टी जो पार्टी इसमें कौन से किसको बोलते हैं वो कंट्री को बोलते हैं यानी कि जैसे आप लोग बोले हमारे देश में कितने राज्य हैं तो आप लोग बोलेंगे ठीक है यार इतने राज्य हैं अट्ठाइस राज्य हैं ठीक है पर लेकिन आप लोगों से बोले कि दुनिया में कितनी कंट्री है तो यूएन के हिसाब से अगर बात करें आप लोग अगर आप लोगों से मैं पूछूं जैसे कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं तो कितने मेंबर है बताइए आप लोग आज के में ऑब्जर्वर कितने हैं और यूएन के अंदर में अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग इन चीजों को समझ पाएंगे यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप लोग यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर झांकोगे उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग लोगे तो आप लोग सीधा सीधा बता सकते हैं कि यार उसके अंदर कंट्री आज की डेट में तो ये जो वन कंट्री है ना इन कंट्री को हम लोग पार्टी बोल देते हैं यहां पर ठीक है दो ऑब्जर्वर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे ऑब्जर्वर मतलब अभी वो मेंबर नहीं बने पर आने वाले टाइम में मेंबर बन सकते हैं उनको हम लोग ऑब्जर्वर बोल देते हैं यानी कि मीटिंग में पार्टिसिपेट करने लगे के एक तरीके से यार आना होना स्टार्ट हो गया पर इन रियलिटी यहां पर अभी उनको कोई ऐसी चीजें नहीं मिली है जिसके हिसाब से यहां पर काम किया जा सके ठीक है तो ये ऑब्जर्वर के बारे में आप लोग याद रखिएगा एक होली सी है और एक है स्टेट ऑफ मैंने इसराइल का दोस्त बताइए कौन है ठीक है तो ये दो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2000 में यहां पर एक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी निकल कर आया जिसको यहां पर कार्टिजेना प्रोटोकॉल के नाम से हम लोगों ने जाना ओन बायोडा बायो सेफ्टी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये क्या है तो ये एक ऐसा आप लोग एक कन्वेंशन या एक तरीके एग्रीमेंट बोल सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को यहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करेगा तो यहां पर उस तरीके से काम यहां पर किया जाएगा 2003 में इसको अडेप्ट किया गया इसी के नाम पर एक नगोया प्रोटोकॉल है गोया प्रोटोकॉल का नाम याद रखेगा ये एक्सेस करता है जेनेटिक रिसोर्सेज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग जो बेनिफिट के लिए उसके बारे में बात करता है कैसे यूटिलाइज करना है ये 2010 में आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर जापान नगोया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 निकल कर आई उस टाइम की बात यहां पर की जा रही है फिर थोड़ा सा और आगे चले तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया बायडोवर्सिटी को लेकर दो और दो से लेकर बीस तक 20 एमबीसी ऐसे टारगेट रखे गए जिनको हम लोगों ने अच्छी टारगेट के नाम से भी यहां पर जाना पर लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि कागजों में चीजों को लिख देना और उसको अचीव करना उनमें धरती आसमान का फर्क देखने को मिलता है सारी चीजें इस तरीके से आप लोग समझिए कि कथनी और करनी में बहुत फर्क यहां पर नजर आता है वो चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है तो इसलिए कई बार चीजें बोल तो देते हैं ये करेंगे वो करेंगे आपने सुबह सुबह उठकर टाइम टेबल बना लो अपना पूरे दिन फिर उस टाइम टेबल को उठाकर भी ना देखो और फिर शाम को बैठो कि यार सर में दर्द हो गया आज का टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं किया ये इन रियलिटी आप लोगों को यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलता है अपना टारगेट वगैरह बोलकर चिल्ला चिल्ला कर आ जाते हैं फिर अपना गुणगान करते हैं देश के अंदर में आके और उसके बाद में पता चलता है नेक्स्ट ईयर आ गया है और अब तक यहाँ पर टारगेट का दस भी फॉलो नहीं किया है यानी कि दस भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और फिर यहाँ पर चिल्लाते घूमते हैं तो ये रियलिटी आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी यानी कि आखिर पॉलिटिशियन भी तो पहले बच्चे थे ना स्कूल में अपना होमवर्क किया नहीं होगा तो जब स्कूल में होमवर्क नहीं किया है स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ कैसे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप लोग खुद सोचो है कि नहीं यूपीएससी को बहुत प्यार है इसके ऊपर और यूपीएससी ने यहां पर क्वेश्चन पूछा आप लोगों के सामने यहां पर ठीक है तो मोमेंटम फॉर द चेंज ठीक है तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया ये क्लाइमेट क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा आप लोगों यहां पर ये बताना है ठीक है तो ये बेसिकली इंटरनेशनल जो यहां पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल है उन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन इन्वॉर्मेंट प्रोग्राम या फिर इसको बोलते हैं यू यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर वर्ल्ड मिटोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो अभी जो मैंने आप लोगों से बात की यहां पर बेसिकली यू आप लोगों को यहां पर ये काम करता हुआ नजर आएगा यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है जिसके बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कल को क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके अंदर में टोटल एक आप लोगों को सिग्नेटरी यहां पर नजर आएंगे एक इसका हेडक्वार्टर अगर कोई पूछे तो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर और इसको 1992 में इसको बेसिकली बनाया गया था ड्राफ्ट किया गया था फिर आगे चलकर साइन हुआ और फिर इफेक्टिव किया गया इसको 1994 से तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन बने तो मैंने थोड़ा सा आइडिया कम से कम आप लोगों को इसके बारे में भी दे दिया है क्योंकि जब कोई एक पैटर्न जो कोई एक चीज़ न्यूज़ में होती है तो उसके बैकग्राउंड में दूसरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में एमिशन कितना हो रहा है ठीक है उसको कैसे रिड्यूस करना है उसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पर और क्लाइमेट न्यूट्रल नाव इनिशिएटिव जो है दो में लॉन्च किया गया था ताकि चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड किया जा सके और सही डायरेक्शन में उसको कंट्रोल भी किया जा सके ठीक है एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा अब क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बनाया गया है वो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है बात की जा रही है की टारगेट ऑफ द ग्लोबल बायडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि बी जी सही आंसर क्या है यहां पर स्टॉप द एक्सटेंट ऑफ द जो एक तरीके से नॉन स्पीसी बाई ट्वेंटी थर्टी उनको रोकना है रिड्यूस करना है यहां पर जो भी पेस्टिसाइड यूज किया जाते हैं फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी रिड्यूस करना है यहां पर न्यूट्रिएंट लो जो भी यहां पर हो रहे हैं इन्वॉर्मेंट के अंदर में में 50 2030, और और रिड्यूस करना है और इसी के साथ में जो लीगल और सस्टेनेबल यूज होता है ट्रेड का बाई यहां पर 2030 तो सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बतानी है करेक्ट बोला बताना है मतलब ए में बोला गया वन टू थ्री बी में बोला गया टू थ्री फोर में बोला गया वन थ्री फोर डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो आंसर बताऊंगा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि कंफ्यूजन न रहे आंसर है यहां पर इसका बी एक स्टेटमेंट यहां पर गलत है बाकी सारी सही है क्योंकि यहां पर 50 की बात की जा रही है यानी कि स्टॉप करना है एक्सटेंट जो भी नॉन स्पीसी है उनका 50 तक का तो यहां पर 30 नहीं है ठीक है तो यहां पर ये यह 50 है पहली स्टेटमेंट बस गलत है बाकी सारी की सारी 30 है तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं क्योंकि एक हो गई फिफ्टी बाकी हो गई थर्टी तो जो डिफरेंट है थोड़ी सी उसके बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे और आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया तो भाई साहब क्वेश्चन यहां से आ गया आप लोग बोलोगे भैया ये तो बताया नहीं था बताया था यार <laughs> आप लोगों ने ना लापरवाही सुना नहीं ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नगोया प्रोटोकॉल ऑन बोला गया कि प्रोटेक्ट करती है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी फ्रॉम द जो पोटेंशियल रिस्क पोज बाय द जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है बोला गया है कि ये ऑन द एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट बेनिफिटिंग फ्रॉम द जो यूटिलाइजेशन तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है कौन सी कर, कौन सा आंसर है यहां पर ए में बोला गया ओनली वन बी में बोला गया टू सी बोला गया बहुत और डी में बोला गया नन पढ़ो आप लोग और आंसर बताओ देखता हो कौन सा आंसर देता है ये दिमाग के साथ में खेला गया क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं इनकरेक्ट पूछा गया ठीक है और यहां पर स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट कर दिए यानी कि अगर बोलते यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट देते और फिर बोलते इनकरेक्ट पूछा गया तो कौन सा होगा तो नन ऑफ द अबो आ जाता पर लेकिन यहां पर क्या किया गया ये स्टेटमेंट भी एक दूसरे से चेंज कर दिए और फिर इनकरेक्ट भी पूछ लिया है तो इसको बोलते हैं डबल एक तरीके से लूप में डालना दिमाग को एग्जाम के टाइम पर खासकर जब एग्जाम में प्रेशर हो तो यहां पर ये यह क्या होगा आंसर इसका आंसर सी होगा यानी कि दोनों ही आंसर जो है वो यहां पर इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया है तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं तो एग्जाम में ऐसे आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा लूप में डालने की भी कोशिश कई बार एग्जामिनर करता है एक और क्वेश्चन यहां पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बोला गया लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है दूसरा बोला गया कि ये एक तरीके से गाइडलाइन देती है कंट्री को प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी अचीव करने हिस्टोरिक डील 2015 की जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था सेक्रेटरीट मोनल कैनेडा में आप लोगों को देखने को मिलता है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली टू ओनली थ्री ऑल अबो या फिर नन तो आंसर क्या है पर वीडियो को पॉज करके बताइए अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर सी यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक है एक आंसर आई के क्वेश्चन में पर डिस्कस करना है कि फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ इन इंडिया और सजेस्ट करना है कि इंडिया कैन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द दर्सिटी प्रोटेक्शन पॉलिसी देश के अंदर में तो ये आप लोगों को पर बताना है तो क्या हो गया टॉपिक का इसको कहते हैं टॉपिक का हो गया भैया पोस्टमार्टम यानी कि टॉपिक के बारे में सारी बातें बता दी कि न्यूज क्या थी यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में क्या ट्वेंटी के ट्वेंटी पॉइंट थे क्यों न, कोई हाँ क्यों यहां पर एक और इसी के साथ में मोन्टेरियल में यहां पर देखने को मिली क्या क्या बातें इससे रिलेटेड थी यहां पर सारे बेसिक चीजें यहां पर आप लोगों को बता दी मैंने क्या क्या फंडा रहा क्या क्या वो सारी चीजें एक एक कर कर इसी के साथ में यहां पर ये कन्वेंशन भी हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्या सही है क्या गलत है बाकी क्वेश्चन एक यूपीएससी के द्वारा पूछा गया बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए यहां पर ताकि अच्छे से अटेम्प्ट कर सको और ये हो गया आंसर राइटिंग का तो इस तरीके से अगर तैयारी करके चलोगे तो एग्जाम में जो है वो मजा आ जाएगा बैठने के बाद में आया कि नहीं आया आर्टिकल समझ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इंडिया के अंदर में जो हुई है वो कहां पर हुई है ये आप लोग बताइए तो इस तरीके से चीजों को याद भी रखना आप लोगों को ठीक है तो कंफ्यूजन हो तो बताना फिर उसको दूर किया जाएगा ओके ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं कवर करने की सोच रहा था पर लेकिन इतना नहीं कि टॉपिक जब अच्छा रहता है तो मुझे मन करता है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाए और टाइम नहीं मिलता है उसकी वजह से हो सकता है एक आध दिन टॉपिक जो है वो आप लोगों का डिले हो जाए पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो टेंशन मत देना वो टॉपिक आप लोगों का नहीं बचेगा ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं किया टेंशन मत लिया करो यार मुझे आप लोगों से ज्यादा टेंशन है तो बात की जा रही है यहां पर वागीर के बारे में तो पांचवे नंबर की स्कॉर्पियन वागीर जो है वो इंडियन नेवी को डिलीवर की जा रही है उसी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है पी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट का है मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है गवर्नमेंट का पी उसके द्वारा यहां पर ये बातें देखने को मिल रही है तो बात की जा रही है यहां पर बेसिकली किसके बारे में सबमरीन के बारे में सबमरीन होते क्या है सबमरीन को अगर आप लोग हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं पनडुब्बी तो पनडुब्बी के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये न्यूज कहां पर आएगी इसको कौन से सेक्शन में आप लोग रखोगे जीएस पेपर टू तुक, के थर्ड में आप लोगों को डिफेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमारे देश में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट सेवनटी फाइव इस प्रोजेक्ट सेवनटी फाइव के अंदर में हम लोगों ने बोला कि छः हम लोग सबमरीन बनाएंगे तो उनमें से पांचवें नंबर की यहां पर जो समरीन है वो अभी आप लोग यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हमारे देश में दी जा रही है और इंडियन नेवी को यहां पर ये बेसिकली सौंपी जाती है तो टोटल मिलाकर छह आप लोग देखते हैं कि डिजाइन के लिए तैयार करने की बात की गई थी प्रोजेक्ट सेवनटी फाइव के तहत में तो ये आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो यहां पर इनके बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए जब कोई भी ऐसी डिलीवरी हमारी कंट्री में हमारी नेवी को मिलती है तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी नेवी जो है वो और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा शक्तिशाली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है आज की डेट में मैक्सिमम जो भी हम लोग पंडुब्बी वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं तो कई सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर ये यह चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है जिसके बेस पर हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ में इन्जॉय कर पा रहे हैं सोचो अगर उन देशों ने हम लोग को ये पंडुब्बी देना बंद कर दिया तो कैसे हम लोग अपनी पूर्ति कर पाएंगे तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिजिनसली डेवलप करना स्टार्ट कर दिया यानी कि अपने आप डेवलप करना स्टार्ट कर दिया पंडुब्बी हमारे देश की जो बाउंड्री है उसके आसपास में वो यहां पर पानी में रहकर इसकी सुरक्षा कर सकती है कोई भी ऊपर आए उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करे कोई जहाज एंट्री करने की कोशिश करे तो नीचे से ही उस जहाज को उड़ाया जा सकता है बड़ी ही आसानी से तो ये काम पंडुब्बी करती हुई आप लोगों के लिए यहां पर नजर आ सकती है तो इसलिए पनडुब्बी काफी इंपॉर्टेंट है पहली जो फर्स्ट पनडुब्बी थी जिसका नाम था यहाँ पर वागीर वो हमारे देश में हम लोगों ने रशिया से हम लोग लेकर आए थे रसिया से लेकर आए थे और उसको कमीशन किया गया था हमारे देश के अंदर में नाइनटीन में पर लेकिन फिर आगे चलकर हम लोगों ने उसको दो के अंदर में उसको डी कमीशन कर दिया यानी कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई हम लोगों ने बोला चलो अब लाइफ को एंजॉय करो ये जो नाम है यहाँ पर वहागीर वहागीर जो है यहाँ पर ये नेम है सेंट फिस का जो कि काफी डीप पाई जाती है इंडियन ओशन के अंदर में उसके नाम पर इस पंडुब्बी का नाम यहां पर रखा गया है और ये एक तरीके की यहां पर कालावरी जो टाइप की आप लोगों यहां पर ये क्लास सबमरीन देखने को मिलेगी कालावरी मतलब जो कैपेबल है ऑपरेशन करने के लिए कॉम्बैक्ट यानी के लड़ाई से रिलेटेड जैसे कि एंटी वॉरशिप अगर कोई लड़ाई होती है जहाजों को उड़ाया जा सकता है ठीक है एंटी सबमेरीन ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं कोई दूसरी सबमेरिन आ रही है उसको भी यहाँ पर उखाड़ के फेंका जा सकता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में बात कर सकती है नेवल माइनिंग के लिए भी यहाँ पर ये इस्तेमाल की जा सकती है यानी कि बहुत सारी चीजें और इसके अंदर में अपने खुद की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इसको बनाया इसके अंदर में सारी जो भी ऑल थिएटर ऑफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर इसके अंदर डाले गए हैं ये सब तरीके से काम करेगी टोर की तरीके से भी और ट्यूब की तरीके से भी यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये सरफेस अंडर वाटर भी आप लोगों को काम करती नजर आएगी सरफेस के ऊपर भी और अंडर वाटर भी ठीक है तो कई सारे यहां पर मल्टीफेयर टाइप ऑफ मिशन यहां पर एक तरीके से इसके द्वारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बात की जाए यहां पर कालावेरी क्लास सबमेरिन के बारे में तो आप लोग यहां पर याद रखेगा ये दो में लॉन्च की गई थी ये आप लोगों के सामने यहाँ पर 2017 में इसको कमीशन किया गया इसी के साथ में खंदेरी 2017 से 2019 में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के साथ में क्रांज ये यहाँ पर 2018 से 21 इसी के साथ में आई एन एस वेला दो और 21 यह है आई एन एस वरागिर दो ये बेसिकली 20 का टारगेट था पर लेकिन हम लोग नहीं कर पाए कोविड नाइन्टीन के चलते और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है वाक्सीर तो आई एन आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर नजर आएगी तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है टोटल छः में से कौन कौन सी अभी आप लोगों ने नाम सुन लिया और नेक्स्ट क्या है या फिर आप लोगों से पूछे पहली कौन सी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ ले यार हम लोगों से यार इसलिए पूछ ले क्योंकि आज की तो बात चल नहीं रही है दो से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हर साल न्यूज़ में आ रहा है पंद्रह में भी आया सत्रह में भी आया अठारह में भी आया उन्नीस में भी आया बीस में भी आया इक्कीस में भी बाईस में भी और अभी भी हम लोग इनके बारे में बातें नहीं कर रहे तो ये बेसिकली हम लोग इस टॉपिक को तैयार नहीं कर रहे हैं तो ये किसकी गलती है एग्जामिनर की गलती है या फिर हमारी गलती है तो हम लोगों को इस टॉपिक को यहां पर तैयार करना चाहिए ये आप लोग सोच के चलिएगा तो इसीलिए यहां पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी आज का थोड़ा ना इतना पुराना स्टार्ट किया गया था अच्छे खासे पैसे जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर डाले गए थे आप लोग देखते हैं एस्टिमेशन कॉस्ट है करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव की अच्छी बात क्या है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग यहां पर बना रहे हैं सेल्फ रिलायंस है और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में हम लोग अगर प्रोटेक्ट करने की बात आए तो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में किसी की ज्यादा जरूरत की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है ना फिर वो सारे काम निकल आराम से कर लेता है ठीक है नहीं कहते कि देख मेरे हौसले तेरी देख मु नहीं कहते कुछ ऐसा डायलॉग है कि मंजिल के सामने जाकर बोला देख मेरे हौसले कितने बड़े हैं इसीलिए तो रास्ते जो हैं वो पैरों में पड़े हैं तो कहने का मतलब यह है कि रास्ते हमेशा पैरों से होकर जाते हैं अगर आप लोग ये चीज़ें समझ गए तो फिर आप लोग चीज़ों को अच्छे से लेकर चलोगे इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पर जो आप लोग देखते हैं ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी गई है अभी यहां पर वाघ सीर जो है वो अभी अंडर प्रोसेसिंग है जल्दी ही वो मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल सकती है ठीक है इसके चलते यहां पर ये यह पूरी सारी चीजें आप लोगों के सामने है। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए ये सिक्स जो बुलाई बनाई जा रही है कहां पर बनाई जा रही है तो यहां पर मजगोंग डोक जो सिप बिल्डिंग लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि पीएसयू है और फ्रांस की हेल्प से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग अपने आप से नहीं अकेले फ्रांस की हेल्प से काम कर रहे हैं फ्रांस यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं ठीक है वागिर द फर्स्ट वागिर जो सब जो फ्रॉम रसियान की गई थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई अभी यहां पर पर इसका नाम नाम भी वागिर ही रखा गया उसके यानी कि जो ऐसे नहीं करते कई बार कि घर में दादा थे बड़े फेमस थे उस दादा के नाम पर आगे फिर बच्चों के नाम रख दिए तो ऐसे ही यहां पर वागिर का नाम रखा जा रहा है फिर से उसी के नाम पर जो कि पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो फिर से पूछा जाए वागिर पहली बार नाम रखा गया नहीं पहले भी इसको डी कमीशन किया जा चुका था अब जो नहीं बना रहे हैं उसका नाम भी वागिर ही यहां पर रखा जा रहा है ठीक है मजगोंग डोक सिप जो बिल्डिंग है यहां पर पीएसयू इसका लोकेशन कहां पर है ये आप लोग बताइए देखता हूं कौन कौन बता पाता है बात करें प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि एक एक हमारे देश में छह सबमेरीन लाने की बात की जा रही है काफी लंबे समय से बात चल रही है अब यहां पर ये चीजें जो हैं वो पॉसिबल होती नजर आ रही है इस पर्टिकुलर बेसिकली सिस्टम के थ्रू तो ये अप्रिशिएट करने लायक बात है ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ ले कोई आप लोग बोलोगे यार तो पढ़ाई नहीं एक एक पॉइंट पढ़ा रखा है थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें याद भी आएंगी और एग्जाम में भी करके आओगे प्रोजेक्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी बोला गया गया कमीशन किया गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर कौन कौन सी सममेरी तो पहला बोला गया कि आई एन एस कलेवरी दूसरा बोला गया खंडेरी तीसरा बोला गया क्रांज चौथा बोला गया वेला तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है या फिर ऑल अब आई एन एस में आई एन एस की फुलफॉर्म भी आप लोगों को बताने है। <laughs> ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कई बार बता चुका हूं और ये एक ऐसी छोटी सी चीज है जो कि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में भी डाल देती है कि यार ये क्या पूछ लिया ठीक है तो आई एन एस के बारे में आप लोगों को बताना है तो देखता हूं कौन कौन बता पाते हैं यहां पर ठीक है आंसर क्या हो गया यहां पर आंसर डी हो गया सारे के सारे बाकी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इतने डिटेल में अभी आप लोगों को सारी चीजें बताइए ठीक है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई वागीर के बारे में बोला गया कि फर्स्ट वागीर जो है वो फ्रांस से हम लोगों ने ली थी कमीशन और डी कमीशन सेवेंटी थ्री और दो हजार एक में किया गया नेम आफ्टर है जो कि डेडली यहां पर डी सी जो एक तरीके से प्रीडेटर है इंडियन ओशन के अंदर पाया जाता है सही आंसर क्या है ओनली वन ओनली टू बोथ ये फिर नन ऑफ द बो तो सही आंसर बेसिकली नहीं इन करेक्ट आंसर पूछा गया ठीक है तो इन करेक्ट क्या होगा ए होगा क्योंकि यहां पर यह फ्रांस नहीं रसिया है और अगर करेक्ट पूछता तो बी हो जाता ये याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोग अगर ढंग से समझेंगे तो आंसर दे पाएंगे वरना फिर ये लगेगा यार ये तो पता नहीं क्या हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है तो चीजें इस तरीके से लेकर चलो ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना बन जाए और उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में बोला जा रहा है कि व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट और आल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं यहां पर सब जो डोमेस्टिकली उसके बारे में आप लोगों को बताना है यानी कि अपने ही आप में एक तरीके से क्वेश्चन पूरा टॉपिक कवर कर दे रहा है आप लोगों का तो चीजें ऐसे तैयार करने को बोलता हूं मैं आप लोग ठीक है तो क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों है अभी हमारे देश में जो कमीशन किया जा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की सारी आई जो वागिर के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों यहाँ पर बता दी इसके बारे में कौन कौन सी सममेरिन है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के बारे में जाना कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन आप लोग ने अटेम्प्ट करा दिए यहां पर और इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया तो मजा आया कि नहीं आया तो ये मजा जो है वो मैं सबको देना चाहता हूँ मतलब एक तरीके से टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि मजा आए और फिर बोलो कि वाह क्या बात है ठीक है उन्हें बोलता है उसमें थ्री डेट में जब बोलता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मशीन तो उसमें आता है वाह क्या बात है <laughs> याद आया <है> वो सीन <laughs> इंटरेस्टिंग सीन है यार वो भी तो टॉपिक को अच्छे से तैयार करो यार ताकि मजा भी आए खुद भी पढ़ सको और दूसरों को पढ़ा सको वो होता है रियल स्टडी ठीक है तो कंफ्यूज आना नहीं है कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है ओके दोस्तों जब कोई स्कीम के बारे में बात करते हैं तो वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है कि एक तो गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट के सोर्स के द्वारा वो कवर करना बनता है तो पीआईबी जो कि मोस्ट गवर्नमेंट का ट्रस्टेड सोर्स है उसने खुद ने इस स्कीम के बारे में बात की और यही जो स्कीम है ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदू या फिर जो भी अलग अलग न्यूज पेपर हैं सबके द्वारा कवर की गई तो इसलिए ये मत देखा करो कि सोर्स क्या है सोर्स तो सारे चिपका दूंगा एक मिनट में मैं उससे कोई फायदा नहीं है कंटेंट पर फोकस किया करो कंटेंट जो कि आप लोगों का डिस्कस करता हूं मैं यहां पर उसको आप लोग देखा करो उसके अंदर मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों के यहां पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा रहे हैं स्टेटिक पोर्सन भी डिस्कस किया जा रहा है आंसर राइटिंग के लिए भी दिया जा रहा है इतने डिटेल में चीज़ें कवर की जा रही हैं तो ये आप लोगों के लिए फोकस का एरिया होना चाहिए ना कि सोर्स क्या है बच्चा कह रहा है सर हिंदू का ये आर्टिकल कवर नहीं किया आप लोगों को जितना मैं करा रहा हूं ढंग से कवर अगर इतना कवर कर लोगे तो आप लोगों को कभी भी टेंशन नहीं होगी यार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर इतना ट्रस्ट आप लोग मेरे ऊपर कर सकते हैं ठीक है तो जितना करा रहा हूं वो करते रहिए ऐसा हो सकता है मैंने पहले बोला है कि आर्टिकल एक आध दिन डिले हो सकता है पर लेकिन जो डिले होने के बाद में जो उस आर्टिकल की प्रोडक्टिविटी आप लोगों को दिखेगी उसके अंदर में जो कंटेंट आप लोगों को दिखाई देगा उसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे वो उस डिले को पीछे छोड़ देंगे क्यों क्योंकि आज ही के आज चीजें कवर करना और एक आध दिन पीछे चीजें कवर करने में कोई डिफरेंस नहीं है बस उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम के हर एक लेवल पर वो आप लोगों की हेल्प करे और मेरा पूरा बेसिकली फोकस इसी चीज पर रहता है वरना आनंद फानन में मैं भी उन्हीं आर्टिकल को उन्हीं दिन डिस्कस कर सकता हूं बैठकर आसानी से और आप लोग भी उनको एंजॉय करोगे और फिर बोलोगे कि हां ठीक है मजा आ गया ये हो गया पर लेकिन ना तो उसके ऊपर आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस करी ऊपर ऊपर से न्यूज आप लोगों को बता दी आप लोगों को प्रॉपर नोट्स जो मिल रहे हैं आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी देर में आप लोग नोट्स बनाओगे इतनी देर में अगर ये पीपीटी हेन में को दो तीन बार को आप लोग गो थ्रू हो जाओगे तो लंबे समय तक ये चीजें भी आप लोगों के याद रहने वाली है ठीक है तो ये कुछ बातें हैं जो कई सारे बच्चे रेगुलर कमेंट करके बातें पूछते रहते हैं तो ये उनको थोड़ा सा एक दिल को तसल्ली देने की ये कुछ बातें हैं तो आप लोग कोशिश करो कि ट्रस्ट करो थोड़ा सा अपने ऊपर और थोड़ा सा मेरे ऊपर ठीक है, फिर देखो कितना मजा आता है टू, जो कि आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते स्कीम है, को को है।, है, है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पॉइंट नंबर वन दूसरा ये कैसी स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है पर याद रखेगा भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा सारा दे दे सेंट्रल सेक्टर में इंप्लीमेंट करने की टाइम आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फुल सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराएगी ये ध्यान रखिएगा ठीक है आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये स्कीम और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे देश में आज की डेट में ये आप लोगों को बताना है ये जो पर्टिकुलर योजना है पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने आप लोगों को बताया दो कंपोनेंट है आयुष एंड द पब्लिक हेल्थ और दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी जो भी यहां पर दी जाती है टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब यहां पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा कॉम्पोनेंट इस स्कीम का जो कि फाइनेंशियल एक्सीलेंस प्रोवाइड कराने के साथ साथ में जो इंडिविजुअल है या फिर जो जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है तो वहां से एक सपोर्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है यानी कि जो स्कीम है यहां पर ये ट्रीटमेंट करती है वेरियस डिजीज को वेरियस लेवल के ऊपर जिससे कि आप लोग अपनी हेल्थ को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं यानी कि एक ऐसी स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सही तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए प्रोवाइड कराई गई है ऐसा नहीं कि अकेली स्कीम है हेल्थ के सेक्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान में जब सातवें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तीन लिस्ट हैं एक को बोलते हैं बेसिकली यूनियन लिस्ट दूसरे को बोलते हैं स्टेट यानी के राज्य की सूची और तीसरे को बोलते हैं कॉन्क्रेंट यानी के संवर्ती सूची तो हेल्थ वाला सब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है वो आप लोगों का स्टेट लिस्ट के अंदर में रखा हुआ है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हेल्थ स्टेट लिस्ट में है पर कई सारी मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती नजर आती है उसके पीछे क्या रीजन है उसके पीछे रीजन ये कि जब कोई बीमारी एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलती है और दूसरे से तीसरे में तो फिर वो स्टेट के अंदर की कैटेगरी नहीं रह जाती है फिर वो सेंटर भी उसमें आ जाता है और वहां पर फिर वो कॉन्ट्रेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बन जाता है ऐसे ही कोविड नाइनटीन के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला ठीक है तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा ये क्लियर रखेगा नेशनल आयुष मिशन जो है वो एड्रेस करता है गैप हेल्थ सर्विस के अंदर में न्यू पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर जैसे सी यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया एस ए एच आई ये हो गया सो केस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल जो भी इम्प्रिंट्स हैं देखिए हिस्ट्री उठाकर देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसी हैं ठीक है उससे आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं ए एम ए आर यानी कि आयुष मनुस्क्रिप्ट एडवांस रेपोजिटरी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ई मेधा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज ये, ये एक्सेसन आप लोग यहां पर देख सकते हैं यानी कि ये ऐसे पोर्टल है पोर्टल का मतलब एक तरीके की वेबसाइट या ऐप वगैरह आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि ऑनलाइन आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं उससे कनेक्ट करने में आप लोगों को हेल्प मिलती है आयुष एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि इस फील्ड में लोग जो हैं वो आए बिजनेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे आप लोग खुद सोचिए आज की डेट में कितने सारे स्टूडेंट होंगे देश के अंदर में एसएलवी फैमिली के साथ में वन मिलियन के करीब जो हैं वो बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं आज की डेट में अगर मैं बात करूं जो कोई फॉर्म भरते हैं उसमें देखा होगा कई बार एस या फिर बैंकिंग के जो है वो बीस बीस तीस तीस लाख भी लोग फॉर्म भरते हैं तो यानी कि बोल सकते हैं कि जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसके और भी कई गुना बच्चे जो हैं वो मार्केट में आप लोगों यहां पर बेसिकली घूमते हुए पढ़ते हुए नजर आएंगे तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि एस जैसे और भी कई सारे लोग जो हैं वो आए और चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएं तब जाकर हम लोग यहां पर लोगों की पूर्ति कर पाएंगे तो एक इंसान जो है अगर बात करें यहां पर वो एक काम करने की कितनी कैपेसिटी है उसके साथ में अगर दो तीन इंसान और जुड़ जाए तो वो ज्यादा काम करेंगे ऐसे कहते हैं कि घर में जितने आदमी ज्यादा होंगे हाथ करने वो काम करने वाले हाथ उतने ही ज्यादा बेसिकली बढ़ जाते हैं तो इतनी ही ज्यादा बरकत आती है घर के अंदर में ये बात आप लोगों ने सुनी होगी ठीक है तो इसीलिए कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप लोग यहां से पढ़ते हो वो तो किसी को पढ़ा दो आप लोग एक बच्चे ने बोला सर ऐसी मुहिम चला सकते हैं कि पेड़ लगाए जाएं तो ये भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं जैसे कि अगर न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें आप लोग एक एक पेड़ लगा सकते हैं तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे यार आप लोग काम करिए और मेरे साथ में शेयर कीजिए ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैं उसको फिर स्टोरी में भी शेयर करूंगा ठीक है तो आप लोग मोटिवेट रहिए काम को करने के लिए और फिर अच्छे से चीजों को लेकर चलिए आयुष एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ माइस

सबसे बड़ी बात क्या होती है आज के दिन में टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसने कोई ऐप बनाया जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैं कोई ऐप बनाता हूं यहां पर आप लोगों के लिए उस ऐप पर क्या रहेगा जैसे आज के डेट में आप लोग खुद देखिए कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर यूट्यूब पर कई सारे डिस्ट्रिक्शन आते हैं क्यों क्योंकि यूट्यूब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो थोड़ी ना है ओनली यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारी फन की वीडियो भी देखने को मिलेगी यूट्यूब पर बहुत सारी आप लोगों को कॉमेडी या फिर कोई और सारी अलग अलग डायरेक्शन की टेक्नोलॉजिकल या फिर कोई मीम्स मतलब दुनिया भर की चीजें आप लोगों को नजर आएगी तो एजुकेशन में जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है पर लेकिन सेम काम अगर मैं एक ऐप बनाकर ऐप पर करना स्टार्ट कर देता हूं तो क्या होगा वहां पर मैं अपने हिसाब से सारी चीजें मॉडिफाइड कर सकता हूं वहां पर अपने हिसाब से आप लोगों को सारी एक स्टडी के जोन में में ले जा सकता हूं तो वे सारे काम वहां पर चल सकते हैं तो ये चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हो तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं यहां पर जब कोई ऐप बनाया जाता है तो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है ताकि उसी फील्ड से रिलेटेड वहां पर सारी नॉलेज रहे और अच्छे से वहां पर जो भी जो आ रहा है वहां पर उसको सारी चीजें वो कनेक्ट करके

करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों तो लोगो फिर ऑल ऑफ दबो सही आंसर क्या है ए बी सी एफ डी ये आप लोगों को बताना है कौन सा है सही आंसर सही आंसर यहां पर वन एंड सी यानी वो सॉरी वन एंड थ्री एंड वन एंड थ्री सी आंसर क्यों अभी बताया था ना मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिलकर काम करेगी यहां पर एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो यहां से ये एग्जैक्ट आंसर आप लोगों के सामने निकल कर आता है तो कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए और अगर होगी तो फिर उसको दूर कर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है आई होप कि ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी होगी तो पूरी स्कीम बता दी क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोनेट है और क्या क्या चीजें चल रही हैं सारी बातें क्लियर होगी और एक प्रैक्टिस भी आप लोग ठीक है तो प्रैक्टिस जरूर करनी है उस टॉपिक की अगर आप लोग एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों हो जाता है जो आप लोगों को नहीं छोड़ना है आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई फीडबैक जरूर दे दिया करो जहां पर भी डाउट है उसको पूछ लिया करते हैं साथ में डाउट लेकर नहीं जाया करते हैं ठीक है तो डॉक्टर के हां आए हो तो इलाज करवा कर ही जाना ठीक है ना ये भी रिसेंटली एक आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में था और काफी कुछ डिस्कशन यहाँ पर पार्लियामेंट में देखने को मिला जब यहाँ पर एस कम्युनिटी को जब यहाँ पर इंक्लूड करने की बात आती है तो कई सारे मुद्दे उठ के आते हैं कई सारे राज्य सामने निकल कर आ जाते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो देखने को मिली तो पॉलिटी और गवर्नेंस के साथ में ये टॉपिक आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं बात की जा रही है पांडा टास्क फोर्स के बारे में तो अगर आप लोगों से पूछे कि पांडा टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है यहाँ पर तो ये याद रखेगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसी पर्पज के लिए बनाए गए थे यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या अभी अपोजिशन के जो एम हैं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया कि वेरियस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में जो डाला जा रहा है रिकमेंड किया गया था यहाँ पर पांडा टास्क फोर्स के द्वारा ठीक है तो ये याद रखेगा ये एससी जो कम्युनिटी है उसमें इंक्लूड अगर किसी को करना है तो ये टास्क फोर्स बनाया गया था तो 2014 में ये कंपाइल करती है कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट 40 के करीब जो कम्युनिटी है अक्रॉस द कंट्री कि उनको एस के अंदर इंक्लूड कर ले जाए फायदा क्या रहता है देखिए फायदा ये रहता है कि इससे ना लोग जो हैं उनको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं बहुत सारे रिजर्वेशन मिल जाते हैं ये बातें आप लोग बोल सकते हैं तो यहां पर अभी जो एक कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट रिकमेंड की गई है उसमें तमिलनाडु से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यानी कि एक तरीके से रिकमेंड किया गया यहाँ पर जिसका बेसिकली पुलायान पुलायन कम्युनिटी तमिलनाडु के अंदर में ऐसी आंध्र प्रदेश के अंदर में देखने को मिलेगी यहाँ पर कोंडा कुम्हारी कम्युनिटी ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये अलग अलग उड़ीसा के अंदर में कई सारी कम्युनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी इनको इंक्लूड किया गया तो मैं जब राज्यसभा का बेसिकली बेसिकली यहाँ पर जो मतलब पार्लियामेंट का जो डिबेट सुनना था उसमें एक चीज़ देखने को मिली कई सारे जो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई साहब बहुत सही काम कर रहे हो पर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से इसको इंक्लूड नहीं किया वो नहीं इंक्लूड किया मतलब सब ने अपनी अपनी भी बातें यहां पर रखनी स्टार्ट कर दी कि ये तो कर लिया तुमने ये छोड़ दिया ठीक है जैसे नहीं आप लोग बोलते हो सर ये आर्टिकल कहाँ चला गया ऐसे कहाँ हो गया तो कई बार ये देखा करो आप लोग यहां पर मैं कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर नहीं कवर करता हूँ मैंने एक पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बना रखा है जो कि अलग अलग न्यूज़पेपरों में से चीज़ें निकाल के लेकर आता हूँ अगर द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग उठाओगे पिछले अगर आप लोगों को मैं बीस दिन का बोलूं या एक महीने का उसमें कोई पचास बार इलेक्शन कमीशन का टॉपिक कवर किया गया उसके द्वारा ठीक है तो डेली अगर मैं इलेक्शन कमीशन का टॉपिक कवर करने बैठता या फिर इसी तरीके से डेली कॉलेज सिस्टम कवर करने बैठता तो आप लोग देखते कि हर दिन कुछ ना कुछ उसी के बारे में बताते रहता पर ये डिस्कशन ऐसा जिससे मैं सोचता हूँ कि सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में कवर हो जाए तो इससे आप लोग एग्जाम में बैठोगे तब समझ में आएगा तो ये इस तरीके से तो सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं कि चीज़ें रिपीट करते रहो और वो चीज़ें चलती रहे तो ये ऐसा डिस्कशन बना रखा है कल मैंने आप लोगों को बोला था देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके से कई सारे बच्चे ना जैसे न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे ये आर्टिकल कहाँ गया एक आध दिन वेट तो करो फिर उस आर्टिकल का मजा देखना आप लोग उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक में क्वेश्चन लगाए जाते हैं ठीक है थीके? उसमें आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी रहता है सारी चीज़ें ढंग से चलती हैं तो उस आर्टिकल को तब देखा करो तब एग्ज़ाम के लिए है अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए नहीं करना है बस न्यूज़ चाहिए ऊपर ऊपर की तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है पर ढंग से एग्जाम के लिए पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना सीखो ठीक है पेशेंस बहुत काम आता है तो उसको हमेशा अपने बटवे में सिंगवा के रखो पेशेंस को ठीक है तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ये बात की जा रही है मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस जो यहां पर ये एक पर्टिकुलर देखिए आप लोगों से ऐसी भी चीजें पूछ ली जाती हैं जैसे कि अभी यहां पर इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंदर में तो पूछ लेंगे यहां पर कि हमारी कंट्री में यहां पर मोरमुगाव जो है बेसिकली किस में कमीशन किया गया एयरफोर्स नेवी कहां पर किया गया तो ये याद रखेगा ये सारी अच्छी चीजें क्या है इन चीजों की अच्छी चीजें हैं कि हम लोग खुद इनको बना रहे हैं ठीक है तो ये इंडिजिनियसली डेवलप कई सारी चीजें की जा रही हैं तो ये सेकेंड आप लोगों को वॉरशिप देखने को मिलेगा पी फिफ्टीन बी क्लास ठीक है जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसके अंदर रहता है ठीक है एक टाइम था हमारे देश में मूवी थी आप लोगों ने देखी होगी बॉर्डर मूवी उसमें सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि हाँ ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है पर इन रियलिटी वहाँ पर बहुत सारी कमी थी हमारे पास में तो अभी यहाँ पर दिन में मार करने वाले रात को वार करने वाले सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर सारी चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल हर जगह से हर तरीके से काम यहाँ पर किया सकता है एक अच्छी खासी स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो इसमें इंडिजिनसली जो कॉम्पोनेंट है वो बहत्तर प्रतिशत और बाकी थोड़ा सा जुगाड़ पानी से ठीक है तो कह सकते हो कि मतलब हमारी आज के डेट में सिस्टमेटिक में ऐसा हम लोग काम कर पा रहे हैं कि हम लोग खुद से चीजों को ढंग से लेकर चल पा रहे हैं ठीक है तो ये काफी अच्छी बात है हम लोग मेड इन in इंडिया प्रोडक्ट लेकर आ पा रहे हैं तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो ठीक है तो इसके बारे में पर तो ये हमारी कंट्री में नेवी में इसको अभी कमीशन कमीशन किया गया मतलब इंक्लूड कर लिया गया है अब ये नेवी की सेवा करता हुआ नजर आएगा लॉन्ग न्यूज में मैंने कवर किए थे यहां पर ये शॉर्ट न्यूज में भी आ आगे यहां पर कि आज की डेट में जो है जो बनियान ट्री है उसकी लाइफ को चेक किया गया कि भाई साहब ये कितना लंबा होने वाला है उसकी लाइफ इतनी लंबी कैसे होती है तो पूरी स्टडी की गई वो अपने आप को कैसे बचा के रखता है ऐसे नहीं कि जो जो प्रॉब्लम आ रही है उससे कैसे बचाना है धूप आ रही है तो उसमें कैसे अपने आप को रखना है तो दिक्कतें आ रही है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर हल्का हल्का सा ये मल, एक तरीके से मैंशन किया गया है जैसे मैंने बोला था ना कि जिंदगी में आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को सोल्यूशन बता होना चाहिए अगर सूखा पड़ रहा है तो उसमें कैसे अपने आप को टैकल करना है तो जो उनके थ्रू आप लोगों को जो ढालना सीख गया उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी जो फ्रस्टेट रहेगा उसमें इरीटेट रहेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में उसकी जिंदगी अलग तरीके की रहेगी तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा ये दिक्कतें आप लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिलती है कई बार तो उसी के बारे में पूरी स्टडी यहाँ पर बताई गई है एक तरीके से इन्वयरमेंट अगर खराब हो रहा है तो उसको कैसे टोलरेट करना है आसपास में किस तरीके से चीजें चल रही हैं ठीक है ठेके? तो ये जो बरगद का ट्री है ये सारी चीजें सहन शक्ति इसके अंदर आ जाती है जिसकी वजह से सारी चीजें निकल कर आती हैं कहीं ना कहीं इसकी लाइफ फिर लंबी हो जाती है तो क्या इंसानों की भी लाइफ इससे लंबी की जा सकती है तो मल्टीपल साइन ऑफ एडेप्टिव जो जीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यानी कि दिक्कतें आ रही हैं पानी नहीं है धूप ज्यादा आ गई आसपास में कोई इन्वेस्टिविश आ गई तो कैसे उसको टैगल करना है तो ये काफी स्मार्ट है इस पर्टिकुलर मामले में ऐसा आप लोग बोल सकते हैं बरगद के ट्री को इंटरेस्टिंग डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्सटी थर्ड सेशन जो है यहाँ पर आई एच आर सी का वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया रिसेंटली अभी तो 18 से लेके 19 दिसंबर तक का उत्तर प्रदेश में ये आप लोगों को देखने को मिला आई एच आर सी पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर ये पिक्चर लगाई गई है क्या कि हिस्ट्री से रिलेटेड है यानी कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पूछा जा सकता है एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इसका तिरसठवा सेशन हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर में सेक्रेटरीट तो वैसे डेली के अंदर में है पर बनाया सेटअप कब गया था इसको 1919 में सेटअप किया गया था इसके अंदर में आप लोगों को ऑल इंडिया फोरम क्रिएटर इसी के साथ में जो कस्टोडियन या फिर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं खासकर उनको मैनेज किया जाता है आज के डेट में आप लोग हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं क्यों क्योंकि हमारे पास में उसके रिकॉर्ड रखे हुए हैं आने वाली जनता सौ साल बाद हिस्ट्री जान पाएगी क्यों क्योंकि हमारे पास में रिकॉर्ड्स हैं सोचो अगर ये रिकॉर्डिंग रहेगा कौन समझ पाएगा तो इसलिए यहाँ पर हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है ये यहाँ पर बेसिकली इसको हेड करते हुए नजर आते हैं 134 थर्टी फोर मेम्बर है इसके अंदर में जो कि आप लोगों को सेंटर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यूनिवर्सिटी या लर्नर इंस्टीट्यूट से आते हैं तो ये सारी बेसिकली यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करके कि कैसे हम लोग अपनी हिस्ट्री को सहज कर रख सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए उसके ऊपर इनका पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी बात है यहां पर इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन न हो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर कमिटी ये पर्टिकुलर इस तरीके का चीजों के बारे में पूछा जाता है खासकर अगर वो न्यूज में होता है उसका रिलिवेंस पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है ये पूछ लेते हैं ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड है किस मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल है ये कुछ बातें आती हैं ठीक है जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला एस कम्युनिटी के बारे में तो यहां पर बेटा कुरबा कम्युनिटी कर्नाटका के अंदर में इसके लिए बिल पास किया गया पार्लियामेंट में खूब दबा के इसके ऊपर डिस्कशन हुआ ठीक है तो लोकसभा में पास कर दिया गया था यहां पर बेटा कुरबा कम्युनिटी तो इसके चलते यहाँ पर ये यह जो कम्युनिटी है कर्नाटका के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं इन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये यह कम्युनिटी रहती है तो कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट करती है और उसी से अपनी जिंदगी चलाती है ठीक है तो इनके पास में कोई अपनी रिटर्न स्क्रिप्ट भी नहीं देखने को मिलती हैं तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हंटिंग वगैरह को फॉलो करते हैं तो एस कैटेगरी में यहाँ पर इनको रखा गया है तो इसके चलते कई सारे राज्य अपने अपने लोग अपने अपने राज्य की बात बताने लगे हमारी ये कम्युनिटी को भी एस में डाल दो ये कर दो तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर था ये ठीक है तो ये बेसिक है जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं वन लाइनर है इंडिया ने वोट की यहाँ पर जो यूनेस्को के अंदर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में मेंटल हेल्थ जो बेसिकली किसके लिए जो यूएन एन पीस कीपर हैं उनके लिए तो उनके ऊपर फोकस देने की बात की गई है पीयूष गोयल साहब जो है उनके द्वारा रोल आउट किया गया ई मार्केट सर्विस ठीक है तो मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है सी और इसी के साथ में इंडियन पोस्ट के साथ में पार्लियामेंट ने पास किया यहाँ पर मेरी एंटी पायरेसी बिल ये आप लोग देखते हैं लोकसभा ने पास किया यहाँ पर जो एस वाला मैंने बोला अभी यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर एस टी ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने स्टार्ट किया है ग्राउंड सर्वे जिसमें पे जल यहां पर सर्वेक्षण की बात की जा रही है अमृत 2.0 के अंदर में तो अमृत की फुल फॉर्म आप लोग बताइए ठीक है बाकी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये वन लाइनर इनको देख लेना यार आज थोड़ा सा ना मैं मतलब लेक्चर लेट हो गया इसकी वजह से तो मैं थोड़ा सा इनको बेसिकली सारी चीजें के अंदर में क्वेश्चन भी है यहाँ पर आप लोगों के सामने जैसे ये वाला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन भी देख लेना पीपीटी में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है ठीक है ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास में पी नहीं थे तो पीपीटी सारी बनाई रखी है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया लेक्चर ठीक है आधा घंटे ज़्यादा लेट हो गया ये इसके चक्कर में ये सी सेट का क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देखते हैं इसका आंसर थ्री एट वन सी आप लोग देख सकते हैं ये आज की रिवर हो गई ठीक है इनको थोड़ा सा देख लेना यार एक्चुअल में मैं नहीं चाह रहा कि जो मॉर्निंग में टाइम से उठ रहे हैं उनका टाइम जो है ज़्यादा मतलब वेट किया जाए उनको ठीक है क्योंकि फिर एक हो ना पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है तो बाकी आज का आप लोगों की वोकेबली है पीपीटी में सारी चीजें मिल जाएगी और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था सी एन राव के बारे में ये है जिसने भी अच्छा आंसर दिया कल की वीडियो के नीचे में उसको पिन कर दूंगा ठीक है तो ये सारी चीजें इसके अंदर में बाकी आप लोग मतलब सारी चीजें पीपीटी में तो लगा ही रखी है पर लेकिन लेक्चर लेट ना हो जाए मतलब बहुत ज्यादा है आधा घंटा तो मुझे लग रहा है लेट हो ही जाएगा कम से कम ठीक है तो इसको ध्यान रखना आप लोग ओके तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ तब तक अपना ध्यान रखिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करार मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद और अगर कुछ टेंशन होगी तो बता देना फिर कल के लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लूंगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कल का कोई बात नहीं पर लेकिन ये सारी चीजें पीपीटी में आप लोग ही है ठीक है तो इसको अच्छे से एंजॉय कर लेना ओके तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं तब तक ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर दे देना अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको बता देना ओके